हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ कपिल। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर आज मेरी क्लास है। वैसे तो आज मेरा लास्ट डे है यूनिवर्सिटी के अंदर। कन्वोकेशन अभी बाकी है, लास्ट क्लास है डिसर्टेशन की। तो आज हमारा ये लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हमें सबमिट करना है डिसर्टेशन। तो डिसर्टेशन सबमिट करने के बाद हमारा एक वाइवा होगा। तो दोस्तों, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ फिलहाल, और ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारी का। ये है ईस्ट बिल्डिंग, उधर वेस्ट बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे सब कुछ डिवाइड किया हुआ है। और ये सामने है एयरपोर्ट व्यू। और फ्री टाइम में हम लोग, भाई लेक्चर के बीच में थोड़ा टाइम रहता ही है हम लोगों के पास, सबके पास, तो इधर हम लोग बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, लंच वगैरह कर सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो अगर लोगों को पढ़ने की इच्छा हो अगर उस टाइम पे। और ये सामने है मेरा फ्रेंड शुभादीप, जो कि मेरा पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा है। और भाई कैसे हैं? सब बढ़िया, तुम सुनाओ? बस बढ़िया। हाय तो बोल दे। हाय गाइस। तो ये देख सकते हो व्यू, ये यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के तीन कैंपस हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी का एरिया, ये है यहाँ के कैंपसेस। ये पूरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ तक एंड तक देख सकते हो, ये पूरी यूनिवर्सिटी हमारी। और यहाँ पे जो ब्लैक बिल्डिंग दिख रही है, हाँ मैं दिखाता हूँ, ये वाली, यहाँ तक ये यूनिवर्सिटी है हमारी। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ये भी यहाँ का स्टूडेंट ही है, मेरे साथ पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये साइकिल स्टैंड हो गया। और जो ये दिख रहा है रेड कलर का जो बॉक्स टाइप से दिख रहा है, ये है लाइब्रेरी यहाँ की। तो यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं, और इसी के अंदर आज मेरी लास्ट क्लास है, जो है लेक्चर थिएटर के अंदर। तो ये नॉलेज डॉक हो गया यहाँ का। और ये यहाँ से आप, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ, मतलब जो वेस्ट बिल्डिंग है उसके अंदर का, उससे कनेक्ट हो जाता है ये वाली स्ट्रीट। और इधर ये पार्किंग एरिया हो गया। इसके पीछे एक स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, वो यूनिवर्सिटी का नहीं है, किसी और का है। और ये स्टूडेंट्स आने लग गए क्लासेस के लिए। अभी मैं क्लास लेने जाऊँगा, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू करूँगा। तो ये हॉस्टल हो गए, और ऐसे हॉस्टल छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ये थोड़ा सा हरियाली हो गई यहाँ की। और जो ये नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर देख रहे हो आप लोग, इसमें क्या है, मतलब यहाँ पे सिटिंग एरिया है, फ्री टाइम में हम यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, और मतलब फूड भी मिल जाता है साथ साथ। ये यहाँ के स्टूडेंट्स, तो समर के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे धूप सेक रहे हैं अच्छी खासी, वैसे विंटर में तो धूप आने का नाम हो लेता नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट्स, सब धूप सेक रहे हैं फिलहाल क्लासेस में, तो नाम के ना के बराबर ही बच्चे हैं फिलहाल। वैसे भी लास्ट डे रह गया सबका यहाँ पे आज। तो बस देख सकते हो, ये ईस्ट बिल्डिंग हो गई। बाकी ईस्ट बिल्डिंग मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में दिखाया था, वो जाके चेक कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन 1898 में स्टार्ट हुई थी ये, उसके बाद इसके तीन कैंपस बने, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये जो सामने एक बंदा आ रहा है, हमारा कैनी फ्रेंड है। पहले कैश पे करता था ना मैं, पुरानी वाले पे जो थी मेरी, तो अभी कोशिश कर रहा हूँ दूसरे ढूंढ रहे हैं। और मिले रोज है यार, हो जा भाई, क्यों भाई इसको भी आदत नहीं हो रही क्या? तो मैं मेरे लेक्चर थिएटर में आ चुका हूँ फिलहाल। ये बच्चे बैठे हैं एक आधे, बाकी मैं 5-7 मिनट जल्दी हूँ, तो अभी कोई आया नहीं है। ये यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं, वैसे तो लेक्चर लगते हैं वीकली 1। ये देखो,
और जो ये दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स टैप करते हैं अपनी आईडी अटेंडेंस के लिए, एंट्री करने पे टैप होता है और एग्जिट करने पे टैप होता है यहाँ पे। और ये हो गया वापस रिटर्न जाने का रास्ता यहाँ से। तो अभी यहाँ पे साइप्रस स्टेशन है, वहाँ से किसी को जाना तो ट्रेन ले सकते हैं, ट्यूब्स चलती है, DLR चलती है यहाँ से। बाकी किसी को बसेस लेनी है तो वो बाहर से बसेस भी ले सकते हैं, चीप भी रहता है, स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। और ये है बाहर का एरिया और यहाँ से एंट्री होती है अंदर। ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, यहाँ पे बैठ सकते हो, काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए यहाँ पे। ये साइप्रस स्टेशन। तो मैं वो ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मैं उसमें कुछ चीज़ें बताने भूल गया था। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन, उसके 3 कैंपस हैं, स्ट्रैटफोर्ड कैंपस, स्क्वेयर स्ट्रैटफोर्ड एंड डॉकलैंड कैंपस। वैसे तो मेन डॉकलैंड कैंपस है, बट शायद अभी चेंज हो गया, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट शायद चेंज हुआ है। तो अभी शायद यूनिवर्सिटी स्क्वेयर स्ट्रैटफोर्ड कैंपस बना है मेन कैंपस। तो बेसिकली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी सेम है, सबका जो स्टडिंग क्राइटेरिया है, कैसे पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना तो बेसिकली खुद ही है यहाँ पे आके। ये सिर्फ यहाँ की यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको डिग्री देगी, और उसके है ना, अगर आप क्लास लेने जाते भी हो तो भी सिर्फ एक टाइप से आपको वीडियो प्ले कर देंगे, वो लोग देख लो ये भाई तुम्हारी क्लास हो गई पूरी। तो पढ़ना खुद को ही है, सिर्फ हम डिग्री लेने आ रहे हैं, हमें डिग्री चाहिए, डिग्री मैटर करती है यहाँ की। तो बात यही है कि यूनिवर्सिटी आप कोई भी सिलेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस ये पड़ता है अगर जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड वगैरह में ले रहे हो एडमिशन तो कुछ बात है, वरना आप एवरेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो मेरी मानो तो सस्ती यूनिवर्सिटी ढूंढो, फीस भी कम पड़ेगी, वो तुम पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं और काम में ले सकते हो। तो यूनिवर्सिटी एवरेज ढूंढो बेसिकली यहाँ पे, मतलब यूनिवर्सिटी तुम्हारी जॉब्स में तो कोई हेल्प करने वाली है नहीं, ढूंढनी जॉब तुम्हें आखिर खुद को ही है। तो इससे अच्छा तो अपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी पकड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ये मेरी राय है, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है बाकी। और हाँ, स्टडी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में 70% हमको खुद को ही पढ़ना होता है, ट्यूटर्स हेल्प करते हैं अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ रही है, मान लो तुम्हारी डिसर्टेशन में, असाइनमेंट्स में, तो टीचर्स हेल्प करते हैं, पर वो पूरा नहीं बताएंगे कि जैसे इंडिया में होता था, टीचर्स हमारी 90% हेल्प कर देते थे, पर यहाँ पे सिर्फ हमें रास्ता दिखाएंगे कि कैसे करना है, बाकी करना खुद को ही है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन अच्छी है, स्टडी में हर चीज़ में अच्छी है। मान लो 100 साल पुरानी हो गई यार, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी इतनी बुरी तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, अच्छी होगी। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ वैसे तो। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन हो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, वैसे तो मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ पूरी प्रोसेस के बारे में भी, कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रोसेस, या UK में आने के बाद आपको क्या करना होगा, वो सब उसमें बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं जल्द आपसे, अपना ध्यान रखें, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।